तो गाइज हर एक वो फुटबॉल फैन जो कि इंडियन टीम के पार्टिसिपेशन के लिए एशियन गेम्स में लड़ रहा था, उसकी पूरी कोशिश आज सक्सेसफुल हुई है। यहाँ पर अनुराग ठाकुर जी की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। Good news for Indian football lovers, our national football teams, both men's and women's, are set to participate in the upcoming Asian Games. The Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India has decided to relax the rules to facilitate participation of both the teams which were not qualifying as per the existing criterion. Keeping in mind their latest performances in the recent times, the ministry decided to grant the relaxation. I am sure they will put their best foot forward in the Asian Games and make our country proud. अब देखो, हमारी लड़ाई यही थी कि हमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। हार और जीत अब आने वाले गेम्स जब हम खेलेंगे तो हमें पता चली जाएगी, लेकिन ये बहुत बड़ा स्टेप है और एक बहुत बड़ा डिसीजन हमने हासिल किया है लड़कर, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के रूल्स और रेगुलेशंस की माने तो किसी भी तौर पर हम एशिया के अंदर टॉप 8 के लिए अभी काबिज़ नहीं हुए हैं और इस वजह से हमारा पार्टिसिपेशन जो था वो कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन जो एकत्र होकर पूरे फुटबॉलिंग फैंस ने, खासकर अगर आप बात करो इंडियन फुटबॉल फैंस ने जिस तरीके से आवाज़ रेस की इस गलत डिसीजन के अगेंस्ट, इस पार्शियलिटी के अगेंस्ट, तब जाकर आपने ये देखा है कि इंडियन फुटबॉल टीम यहाँ पर बोथ मेंस एंड वुमेंस कैटेगरी में अब एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाली है। एक बहुत बड़ा स्टेज सामने प्रेजेंट हुआ है। आई होप कि हमारे यंगस्टर्स इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से ग्रैब करें। हारेंगे जीतेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी था। और अब यहाँ पर जो 3 नाम आगे आए थे, क्योंकि अंडर 23 के स्क्वाड में आप अपने 3 सीनियर प्लेयर्स को भेज सकते हो, तो वो जो 3 नाम प्रपोज्ड किए गए थे वो थे आपके कैप्टन लीडर लेजेंड सुनील छेत्री सर का, उसके अलावा आपके नंबर 1 गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू का और आपके स्टार सेंटर बैक सिंदेश जिंगन का। तो ये 3 जो हैं वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं अब इंडियन टीम के साथ एशियन गेम्स में। एंड उम्मीदें सबकी यही होंगी कि हम थोड़ा सा डीप जाएँ और आपके मेडल के लिए कम से कम कम्पीट करें। लेकिन अगर मेडल नहीं भी जीतते हैं, अगर हम सिर्फ पार्टिसिपेट कर कर वापस लौट कर आते हैं, तो भी एक बहुत बड़ा स्टेप है टुवर्ड्स अ ब्राइटर फ्यूचर। क्योंकि देखो, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए उस चीज़ की शुरुआत होनी ज़रूरी होती है। अब आपने पहली बार इंडियन फुटबॉल टीम को यहाँ पर भेजा है, क्योंकि पिछली बार जब एशियन गेम्स हुए थे तब भी आपने इंडियन फुटबॉल टीम को आगे नहीं भेजा था और तब भी हम सिर्फ आवाज़ उठाकर रह गए थे। लेकिन क्योंकि इस बार हमने आपके ट्राई नेशन कप सीरीज़ जीती, उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पर हमने इंटर कॉन्टिनेंटल कप उठाया और उसके बाद अभी लेटेस्ट में सैफ चैंपियनशिप का खिताब भी लिफ्ट किया है, तो हमारे पास कुछ था रखने को यहाँ पर गवर्नमेंट के सामने। कि इसीलिए सब लोग एकजुट होकर जब आवाज़ उठा रहे थे तो गवर्नमेंट को फोर्सफुली ये डिसीजन अपना रिवर्स करना पड़ा। अब यही एक चेंज है, ये जो वेव क्रिएट हुई है जो आज से 4 साल पहले नहीं थी, जब हम टीम को भेजना चाहते थे लेकिन हम भेज नहीं पाए थे क्योंकि हमारे पास जो फैन सपोर्ट था वो कम था, जो सोशल मीडिया सपोर्ट था वो कम था। और अब जाकर क्योंकि ये चीज़ अलग लेवल पर हमें देखने को मिली, जो फैन टर्नआउट स्टेडियम्स में हुआ, जो सोशल मीडिया पे एक आउटरीच क्रिएट हुई इस डिसीजन के अगेंस्ट, तब जाकर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया को यहाँ पर सोचना पड़ा कि नहीं, आई थिंक ये टीम जाएगी आगे। तभी जाकर हम यहाँ पर जो एशियन गेम्स होने वाले हैं उसमें कुछ अगर अच्छा कर पाए तो आने वाले टाइम में हम इस फैन बेस को और ज़्यादा बड़ा कर पाएंगे। एंड डेफिनेटली जितना बड़ा फैन बेस होगा उतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा और उतनी ज़्यादा अमाउंट के साथ हम अपनी फैसिलिटीज़ को और इम्प्रूव कर पाएंगे। अब देखो, ये जो एक स्टेप है ना, ये आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब तक आप अपना यहाँ पर एक फर्स्ट स्टेप नहीं लोगे तब तक आप सीधी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। अब ये जो शुरुआत हुई है इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है कि हम अपनी टीम को जिस तरीके से इन सक्सेसफुल टाइम पीरियड्स में बैक करते आए हैं, अगर एशियन गेम्स में या फिर उसके बाद आने वाले आपके वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स और अब जो आपके बाकी टूर्नामेंट्स हैं उनमें भी अगर हमें एक हार का मुँह देखना पड़े, तब भी हमारा ये फैन सपोर्ट नीचे नहीं गिरना चाहिए। ये विक्ट्री जितनी उन इंडियन प्लेयर्स की है, जितनी हमारी नेशनल टीम की है, उतनी ही आप लोगों की भी, क्योंकि आप लोगों के बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। हर एक वो क्रिएटर जिसने आगे आकर इस चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठाई और इस पार्शियलिटी को होने से रोक दिया, ये जीत आज उन सबकी है। फुटबॉल देखो एक बहुत वाइडन अप स्पोर्ट नहीं है हमारे इंडिया के अंदर, क्योंकि इसका क्रेज़ उतना ज़्यादा भी है नहीं जिस तरीके से क्रिकेट का है, या फिर अगर आप बात करो जिस तरीके से हम यहाँ पर यूरोपियन फुटबॉल को फॉलो करते हैं उस लेवल पर हम अपनी इंडियन फुटबॉल टीम को फॉलो नहीं करते। लेकिन वक्त के साथ इन चीज़ों में भी अब चेंजेस आ रहे हैं एंड डेफिनेटली आने वाले टाइम पीरियड में इंडियन फुटबॉल का भी बोलबाला होगा, इंडियन फैंस का भी यहाँ पर एक आपको जमघट हर मैच में ज़रूर देखने को मिलेगा। और अभी ISL आने वाला है। एक इगोर स्टमैच ने जो गुहार लगाई थी सोशल मीडिया पर जाकर, प्लेयर्स इनडायरेक्टली ये चीज़ प्लीड कर रहे थे कि प्लीज़ हमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, तो उस लिहाज से एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, क्योंकि गवर्नमेंट के 3-4 ऑफिशियल्स ने आकर इस चीज़ को स्पष्ट करने की कोशिश की थी कि जो हमने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही है, रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से ही हम यहाँ पर अपनी टीम्स भेज सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को रिवर्स करवाया है आपके सपोर्ट ने और डेफिनेटली सोशल मीडिया के इस पावर ने। इट्स अ वेरी बिग विन, बहुत बड़ा दिन है आज हम सबके लिए, इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए। आने वाले टाइम पीरियड में हम सबको इसी तरीके से एकजुट होकर अपनी टीम को बैक करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सेलिब्रेट करो इस मोमेंट को। एंड अब आने वाले एशियन गेम्स के लिए वेट करो, जहां पर हम और आप बैठकर देखेंगे अपनी टीम को परफॉर्म करते हुए। और हाँ, सिर्फ मेंस टीम्स ही नहीं, वुमेन्स टीम को भी, क्योंकि दोनों टीम हमारे देश की हैं और दोनों टीमें ही हमें रिप्रेजेंट करने जा रही हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन दोनों टीमों को बराबर दर्जे पर जाकर सपोर्ट पेश करें। चलिए मिलते अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद, जय फुटबॉल।